अगर आप भी करते हो होम गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग, टेरेस गार्डनिंग, लेकिन आप भी चाहते हो कि आपके गार्डन में गुलाब की पौधा हो और बहुत ही ज़्यादा फ्लावर हो, लेकिन ये हो नहीं पा रही है, क्योंकि आप जब नर्सरी से पौधा लाते हो बहुत ही हेल्दी रहता है, जब आप गार्डन में लगाते हो उसके बाद पौधे में दिक्कत आ जाती है। लेकिन आज आपके साथ कुछ ऐसे टॉप 5 सीक्रेट शेयर करेंगे, अगर आप इस टॉप 5 सीक्रेट को फॉलो करते हो तो आपकी गुलाब की पौधे में पूरा साल आपकी गुलाब के पौधे में फ्लावर रहेगा और आपकी गुलाब की पौधा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहेगा। तो स्वागत है आपको हमारी यूट्यूब चैनल गार्डन जोन में। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज से देख रही हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, और यूट्यूब से देख रही हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नंबर 1, मिट्टी की तैयारी। तो मैं जो मिट्टी तैयार करता हूँ वही आपको बताऊँगा। मिट्टी में मैं लेता हूँ 60% गार्डन सॉयल, 10% भार्मी कंपोस्ट, 10% काउडंग कंपोस्ट और 10% कोकोपीट, 5% रेत या बालू, और आखिर में 5% लेता हूँ ब्रोन मील, या आप अंडे के छिलके को भी यूज़ कर सकते हो, और थोड़ा सा नीम खली। मिट्टी को तैयार करके कम से कम 5 से 6 दिन रख देना पड़ेगा। नंबर 2, नर्सरी से पौधा लाने के तुरंत बाद उसको आप फाइनल पॉटिंग ना कीजिए। पौधा लाने के बाद उसे अच्छे से फंगिसाइड से नहला दीजिए या फंगिसाइड उस पर छिड़का दीजिए। उसके बाद कम से कम 2 दिन पौधे को सेमी सेड एरिया या छाव वाली जगह पे रख दीजिए। 2 से 3 दिन के बाद आप पौधे को फाइनल पॉट में शिफ्ट कीजिए। नंबर 3, पानी या वाटरिंग। फाइनल पॉट में शिफ्ट करने के बाद उस पर भरपूर पानी दीजिए, और ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पे दिन भर धूप आए, कम से कम 5 से 6 घंटा धूप आए, ऐसी जगह पे रख दीजिए। 1 महीना उसमें कुछ भी नहीं देना है, बस नॉर्मल वाटर यूज़ करना है। जो पानी आप पीने में यूज़ करते हो वही पानी आप पौधे में यूज़ करो। पानी तभी यूज़ कीजिए जब ऊपर के मिट्टी सूख जाए। नंबर 3, फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र कौन सा यूज़ करें? मैं खास कर लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करता हूँ, जो सरसों की खली होता है उसको 2 से 3 दिन पानी में भिगा के उस पर यूज़ करता हूँ, हर 15 दिन बाद यही उसका फर्टिलाइज़र है या खाना, जो भी बोल सकते हैं, और मैं कुछ नहीं देता हूँ। नंबर 5 पे आता है कीटनाशक। मैं तो ऑर्गेनिक गार्डन कर रहा हूँ, इसलिए मैं कोई भी कीटनाशक बाहर से नहीं मंगाता हूँ, मतलब ये जो पेस्टिसाइड कीटनाशक होता है मैं ये नहीं मंगाता हूँ। मैं बस यूज़ करता हूँ नीम ऑयल और फंगिसाइड। फंगिसाइड लेना पड़ता है बाहर से। अगर आप भी फंगिसाइड या नीम ऑयल लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगा। मैं इस पर 15 दिन बाद नीम ऑयल स्प्रे करता हूँ और फंगिसाइड मिट्टी में थोड़ा सा मिलाता हूँ, पानी में घोल के मिलाता हूँ। अगर आप इतना तक वीडियो देख चुके हो तो इसका मतलब आप गार्डनिंग करना चाहते हो या गार्डनिंग कर रहे हो। तो आपके लिए एक खास टिप्स, अगर आपके पत्ते में कोई बीमारी आता है या ब्रांच में कोई बीमारी आता है तो ब्रांच को थोड़ा सा काट दीजिए और पत्ते को निकाल दीजिए, उसके बाद फंगिसाइड छिड़का दीजिए। स्प्रे मशीन से स्प्रे कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिला है कुछ भी, तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।